हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर, राम गोपाल वर्मा जाने जाते हैं हॉरर मूवी बनाने के नाम से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भूत और फूंक जैसी बहुत खतरनाक हॉरर मूवी बनाई है, लेकिन फिर बीच में उन्होंने आग जैसी मूवी बनाई जो कि बॉक्स ऑफिस पे ऐसी सोई वो मूवी कि आज तक नहीं उठी हो, और ऑडियंस भर भर के गाली बकी कि ये क्या बना दिया, शोले के रिमेक किए थे कि या खुद को शोले बना लिए। तो गाइज, अभी राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका करने आ रहे हैं, क्योंकि वो लग चुके हैं प्रमोशन में। जी हाँ दोस्तों, उनकी फिल्म खतरा बोले तो डेंजरस, जी हाँ दोस्तों, जिसमें दो लड़की, हॉट लड़की, हीरोइन का नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन दोस्तों ये एक लेस्बियन क्राइम स्टोरी है दोस्तों, जिसमें आपको कॉमेडी का तड़का नजर आएंगे करते। रामपाल यादव, जी हाँ दोस्तों, राजपाल यादव। तो गाइस, ये मूवी डेंजरस 8 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इसकी ट्रेलर काफ़ी अच्छी है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग, सेक्सी, हॉट दिख रहा है कि हाँ एक लेस्बियन क्राइम है। तो दोस्तों, इसकी हीरोइन और राम गोपाल वर्मा लगातार प्रमोशन में जुट चुके हैं। देखो दोस्तों, अभी 8 अप्रैल को ना कोई सी भी मूवी रिलीज नहीं हो रही है, एक हुड़दंग करके मूवी रिलीज हो रही है, शायद हीरो है सनी कौशल, उसके ट्रेलर कल आया था। तो 8 अप्रैल को कोई भी बड़ी मूवी रिलीज नहीं है, ये हफ्ते अटैक रिलीज हो जाएगी, तो बीच में 8 अप्रैल खाली हो रहा है, तो सोच रहा है कि यार डेंजरस क्यों ना निकाल दे। तो राम गोपाल वर्मा की डेंजरस 8 अप्रैल को आएगी, उसके बाद फिर आ जाएगी एक बहुत बड़ी फिल्म, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी फिल्म 4-5 दिन बाद, वो है हमारे KGF चैप्टर 2। उससे पहले आ जाएगी बीस्ट, हिंदी में राव। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं राम गोपाल वर्मा का ये लग रहा है कि क्यों ना हम 8 अप्रैल को ही निकाल लें, क्योंकि यार डेट्स नहीं है। तो राम गोपाल वर्मा का जो ये डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो 8 अप्रैल को डेंजरस मूवी ला रहे हैं, और ऑडियंस हॉट सीन देखने के लिए, सेक्सी सीन देखने के लिए थिएटर में जाएगी, खासकर 18+, जी हाँ दोस्तों, ऊपर। तो बस भाई, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका क्या राय, आपको डेंजरस देखने का है कि नहीं देखने का है, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।